प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब। ये फिल्म अपने देश के लिए जान देने वाले उन वीर सपूतों को समर्पित है जिनके भरोसे हम अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं। डॉल्फिन डांस एकेडमी सल्यूट्स टू इंडियन सोल्जर्स। हाय चुटकी। हाय भैया। मैंने कहा था तुझे इस बार राखी जरूर बनवाऊंगा, लेकिन भैया मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। नी मियां तू कुछ चीर पाके रख ले, पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख ले। पापा आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। अबे तेरी शादी है ना, चल पार्टी दे। हाँ हाँ जरूर जरूर। ओए ओए भाई लोग। अबे साले तू क्या? बे साले मिल गई चिट्ठी तुझे? मुझे तो आना ही था, मेरे यार की शादी है, नए कपड़े जो लिए हैं। माँ बाबूजी मैं आ गया। अरे बेटा आ गया तू? इस बार कितने दिनों के लिए आया है? इस बार 10-12 दिनों के लिए आया हूँ माँ। बस 10-12 दिन? हाँ माँ। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, ये रेडियो। ये आकाशवाणी है, एक जरूरी सूचना, कारगिल की जंग शुरू हो गई है। जितने भी जवान छुट्टी पर गए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने अपने रेजिमेंट को रिपोर्ट करें। धन्यवाद। राखी में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और तुम जा रहे हो? हट पगले, दुश्मनों को खदेड़ कर मैं 10 दिनों के अंदर आ जाऊंगा राखी बंधवाने। मत जाओ ना भैया प्लीज। पापा आप जा रहे हो? आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे हॉलिडे में चॉकलेट दिलाओगे। बेटा मैं जाने के लिए थोड़े ना जा रहा हूँ, मैं तो वापस आने के लिए जा रहा हूँ। इस बार मैं आऊंगा ना तो आपके लिए बहुत सारा चॉकलेट लेकर आऊंगा। पक्का ना पापा? एकदम पक्का। साले तू जा रहा है यार? शादी है मेरी और तूने प्रॉमिस किया था कि तू नए कपड़े पहन के डांस करेगा। अबे साले तुझे क्या लगता है मैं वापस आऊंगा? यार सावधान रहियो, मैंने नए कपड़े लिए हैं। बेटा अभी तो तू आया ही है और अभी तू जा रहा है, कि तुझे अपनी माँ पर दया नहीं आती? माँ धरती माँ की रक्षा करने के लिए ही तो मेरी माँ ने मुझे तैयार किया है। आज इस वर्दी का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, मैं वापस आऊंगा माँ।
भैया, तुमने कहा था तुम वापस आओगे। मेरी राखी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उठो भैया उठो, गिफ्ट के लिए इतना नाटक कर रहे हो ना। लेकिन मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए और मैं वो लेके रहूंगी। मेरा गिफ्ट होगा कि तुम बस अपनी आंखें खोल लो भैया। मम्मा, पापा को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों सोए हैं? तुम रो क्यों रही हो? क्या पापा मर गए? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा सैनिक हैं, वो मर नहीं सकते, वो तो शहीद हुए हैं, शहीद। वाबे साले, तू तो पक्का धोखेबाज निकला। बोला था नए कपड़े पहन कर आऊंगा, मुझे नहीं पता था तेरा वो नया कपड़ा तिरंगा होगा जिसे तू ओढ़ कर आएगा। चल बहुत हो गया नाटक, अब नए कपड़े पहन लिए तो क्या बात ही नहीं करेगा। बेटा कहाँ चला गया तू? उठ बेटा उठ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। देख लो आप सब, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है, शहीद। सैनिक कभी मरते नहीं है, वो या तो जीतते हैं या तो शहीद होते हैं। चल छोटे, अपने बड़े भाई के रास्ते पर अब तू चलेगा। मेरा एक बेटा शहीद हुआ है और दूसरा जा रहा है भारत माँ की रक्षा के लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं सभी शहीदों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। नेताजी के लिए तालियां। अरे नेताजी, मैंने तो अपना भाई खोया है, मेरी राखी अभी तक उनका इंतजार कर रही है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि ये राखी आप अपनी कलाई पे बंधवा कर मेरे भाई की जगह ले सको? बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, लेकिन आपके 5 लाख उस चॉकलेट से काफी सस्ती हैं, जो मेरे बेटे को उसके पापा देने वाले थे। क्या साहब, आप लोग भी, आप लोग बड़े लोग हो, आप लोग के पास देने के लिए पैसा है, अगर कुछ दे सकते हो ना तो मुझे मेरा वो दोस्त दे दो जो नए कपड़े पहनकर मेरी शादी में नाचने वाला था। मुझे गर्व है अपने बेटे पर। मेरे बेटे का नाम अर्जुन था, अर्जुन। अर्जुन रणभूमि में शस्त्र उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। पूरा देश तो आप लोगों ने राजनीति से भर दिया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Please click on subscribe.